अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोफ्ता बिरयानी बनाने लगे हैं। उसके लिए मैंने ये जो कोफ्ते थे इसको मैंने पहले बिरयानी आँच में तलना शुरू किया। अब ये कोफ्ते हैं, इनको हम निकाल देंगे। अब जो ये आलू हैं इनको तला जाएगा। जनाब, 12 गिलास पानी में हसबे ज़ायका नमक, बल 3-4 टेबल स्पून खाने के चमचे में नमक डाल दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये ज़ीरा, 2 अदद लौंगें ये शामिल की, और इसको मैंने बॉयल पे रख दिया। ये मैंने पेस्ट तैयार किया है। 2 अदद टमाटर हैं, 4 टेबल स्पून बसाली प्याज हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें शामिल हैं दही, ठीक है, 2 से 4 टेबल स्पून दही शामिल है, ठीक हो गया। और बस ये पेस्ट है इसका, ये तैयार होगा। उसके अलावा ये 2 अदद प्याज थे इसका पेस्ट बना लिया। आइए इसकी अब ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले जो हमने तेल जिसमें हमने कोफ्ते और आलू तले थे वो तेल हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन आधी प्याली, ठीक हो गया। उसके बाद की प्योरी थी ये डाल देंगे, ठीक हो गया। साथ साथ ये जो टमाटर की प्योरी थी ये डाल देंगे, इसको कुछ देर पकाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें बॉयल आ गया है, ठीक है। अब हम मसाला जार शामिल करेंगे। अब चंद मसाले डालेंगे इसमें। ये दालचीनी है 10 से 12 साबुत काली मिर्च, लाल पिसी लाल मिर्च है, ठीक है, टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है 1/2 चाय का चमचा, नमक है हसबे ज़ायका, सूखा धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। इसको मिक्स करेंगे। चावल उबालने के लिए रख दिए गए हैं, ठीक है। इसको 1 से 2 कनी उबाला जाएगा। अब थोड़ी देर बाद इसमें ये जो आलू हैं ये डाल दिए जाएंगे, क्योंकि ये अभी सही से गले नहीं हैं, सिर्फ तले गए हैं, ठीक है। ये डाल दिए जाएंगे और इसे 5 से 10 मिनट पकाया जाएगा। 4 से 5 आलू बुखारे डाल दिए जाएंगे और फिर आलू को ढक के 10 मिनट पका लिया जाएगा, जब तक ज़ाफ़रानी केवड़ा लेके 2 से 3 टेबल स्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा लेके इसमें जर्दे का रंग जो है वो शामिल किया जाएगा। तकरीबन आधा दो चुटकी बस, ठीक है। इसको मिक्स कर लिया जाएगा जी। 10 मिनट बाद हाज़िर हो गए हैं और अब जो ये कोफ्ते हैं ये इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, और इसको भी 10 मिनट इसमें रख दिया जाएगा। तो जनाब, अब इसकी तह लगेगी, ठीक है। सबसे पहले जो है वो चावल बिछा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, ठीक है, ये बिछा दी जाएगी। उसके बाद एक और लेयर होगी जर्दे का रंग, ये अंदर ही कहीं चला जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये बाकी के चावल। आज मैंने रेसिपी बहुत रफली बताई है, इंशाल्लाह मैं इसको प्रॉपरली बताऊंगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये आ गई होगी समझ, ठीक है। अब इसको डल्लों को तोड़ा जाएगा,
ठीक है, ये देख रहे हैं आप शक्ल, ठीक है, जर्दे का रंग नीचे है, कलर आ जाएगा, जब हम नीचे से उठाएंगे तो कलर आ जाएगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अब जो ये थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल था ये लगा दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो बाजारी प्याज हैं ये थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो केवड़ा और जर्दे का रंग जो है पहले भी आखिर में मिला सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयलिंग करनी थी इसलिए ये अब जो है चूल्हा लगा दिया जाएगा, ठीक है। और शुरू में 5 मिनट तेज आंच पे करना है, और उसके बाद जो है इसको ढक देना है आपने, ठीक है। ये चावल के पानी का छींटा दे देंगे, ठीक है, चावल के पानी का छींटा भी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी थी इसलिए। बस डन, अब इसको दम लगा देंगे। अब इसको दम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इंशाल्लाह ये तैयार होगी बिरयानी, ठीक है, फिर डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो नाज़रीन 15 मिनट का जो दम है वो लग चुका है माशाल्लाह से, अब इसको थोड़ा करने की ज़रूरत है, ठीक है, माशाल्लाह ये देखें बिरयानी ने क्या खूब रंग निकाला है, ठीक है। अब इसको डिश आउट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार हो गई कोफ्ता बिरयानी, ये देखें कोफ्ते की बॉल्स आ रही हैं, आहा, आलू आ रहा है, चावल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे।